तो भाई कल इसलिए लाइव फीड बन रही थी, मनारा और मुनव्वर का हल्का फुल्का नहीं बाबा, बहुत बड़ा झगड़ा हुआ है। और यहां पर मुनव्वर ने साफ साफ मनारा को बोल दिया है गेट लॉस्ट, जिसके बाद मनारा ने वार्निंग दे दी है दैट यू आर रियली मेसिंग अप द थिंग्स। और ये चीज हुई है जब मुनव्वर और मनारा जो है, यहाँ अब मुनावर को इस बात का बुरा लग रहा है कि मनारा उसे ताने देती है। चलिए मैं आपको एक प्रोमो दिखाती हूँ। कमरे में ठीक है, अब क्यों नहीं सुन रहे? आपने बोला मैं क्यों बैठू छत्र छाया में? मैं तुमको पहले से बोला, देखो टोंट मत मारा करो। आप पहले की तरह बात नहीं करते। यानी इट रियली हर्ट्स मी। मुझे आपसे नहीं बात करनी। यू आर मेसिंग थिंग्स अप। यू वांट मी टू लीव? आई लीव। थैंक यू फॉर हर्टिंग मी। गेट लॉस्ट। अब यहां पर मनारा को लगता है कि मुनावर उसका वो वाला दोस्त नहीं रहा जो पहले था, जिस पर मुनावर ने कहा कि तू ही तो बोलती है कि मुझे छत्रछाया में नहीं रहना है और मैंने तुझे पहले ही बोला है कि तू टोंट मत मारा कर, पर अब तू मानती नहीं है। तो उसने बोला कि तू अब वो वाले मुनावर नहीं रहे हो। तो उसने बोला कि मुझे तुझसे बात नहीं करनी। तो उसने बोला तू यू आर रियली मैसिंग अप द थिंग्स। तो उसने बोला तू चाहती है कि मैं यहां से चला जाऊं, तो मैं जा रहा हूं। तो उसने बोला शट अप। और अब यहां पर जो है, ये दोनों एक दूसरे से दोस्ती तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब बिग बॉस की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है क्योंकि अब उन्हें मनारा के लिए कोई और बेबी सीटर ढूंढना पड़ेगा। यहां पर ये सारा का सारा कनेक्शन का जो मैस किया है वो किसी और ने नहीं बल्कि खुद बिग बॉस ने किया है। और यकीन मानिए, मनारा और मुनव्वर दोनों कैपेबल थे अपने आप इस गेम को खेलने में। मुनव्वर तो पहले से ही थे, लेकिन मनारा का जो ये जबरदस्ती वाला कनेक्शन करते हुए नजर आए बिग बॉस, वो अब इन दोनों पर ही भारी पड़ता नजर आ रहा है। तो आप इस पर क्या कहेंगे, कमेंट में अपनी राय लिखकर हमें जरूर बताएं।